मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मोर बनी थन गाट करे नव दिन कपोत निपाक खुले मदरा मदरा ने गाइन मेरा इतने सुने सुबात करे मन मोर बनी तन गाट करे मन मोर बनी तन गाट करे मारू मन गुजरात के वडोदरा हम पहुंचे हैं और वडोदरा की ये सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी वहां मैं पहुंची फैकल्टी ऑफ साइंस है यहां पर ये कैंटीन ये बच्चे बैठे हुए हैं क्योंकि हर पार्टी को अगर लुभाना है तो जो फर्स्ट टाइम वोटर है या युवा है उनको लुभाना है तो युवाओं के अपने कुछ मुद्दे होते हैं उन लोगों का नाम क्या है हिमांशु मिश्रा हिमांशु मिश्रा मिश्रा जी कहाँ से हो बनारस बनारस से बनारस से इतनी दूर तुम यहाँ एडमिशन लेने आए हो BHU नहीं था मैम मेरी मतलब फैमिली यहीं पे पहले से सेटल है अच्छा पहले से यहीं सेटल है बताओ यार वहाँ पर भी तुम्हारे सांसद मोदी जी हैं और यहाँ पर भी यहाँ से भी 2014 में चुनाव लड़े थे इस बार का क्या सीन है यहाँ पर BJP या कांग्रेस मैम वो तो जो सरकार जो यंगस्टर्स हैं वो देखेंगे जो आप भी यंगस्टर्स हैं आप क्या देख रहे हो मैम जो जैसे स्टूडेंट्स के लिए काम हुए होंगे जैसे जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है डेवलपमेंट में बहुत जगह हुआ तुम बताओ चश्मा बहुत फंकी है तुम्हारा गर्लफ्रेंड तारीफ करती है नहीं हमारे नहीं है गर्लफ्रेंड तुम तो गुजरात से ही हो तो गुजरात तो बहुत बदला है लोग कहते हैं कि BJP के राज में हाँ बदला है बदला है तुम्हारा फेवरेट लीडर श्री नरेंद्र मोदी जी तुम लोग प्रत्याशी नहीं देखते हो नहीं हम नहीं देखते सिर्फ मोदी देखते हो तुम क्या नाम है गुरु विनय श्रीवास्तव जी तुम्हारा वोट मेरा वोट अपक्ष को जाता है नोटा को जाता है नोटा को हाँ। तुम्हें कोई पसंद भी नहीं है नहीं पसंद हमारे हिसाब से कोई काम ही नहीं कर रहा है काम कर रहा है पर उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है बहुत कांग्रेस ने बहुत भ्रष्टाचार किया उसके जमाने में अब भाजप वही कर रही है उसको और डेवलप मतलब जो सत्ता में रहेगा वो भ्रष्टाचार करेगा तुम बनोगे लीडर अभी तो कुछ कह नहीं सकता मैं बनूंगा नहीं वो अपने जब अपने मैं किसी का क्वेश्चन हल कर सकूं या किसी की सिचुएशन में करूं तो आगे बढ़ूंगा तो तुम्हारे हिसाब से अभी कोई सेट है ही नहीं सेट नहीं है क्या नाम है आर्यन जैन जैन साहब क्या आपका क्या मत है इलेक्शन को लेके ऑलवेज BJP एंड फॉरएवर BJP ये तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार उनके टाइम पे भी हुआ है उनके टाइम पे हुआ है पर अभी रिडक्शन आ रहा है इसके अंदर भी भ्रष्टाचार के अंदर हां भ्रष्टाचार के अंदर फुल ऑन आप लोगों की पार्टी चल रही है कौन सी फैकल्टी में आप लोग आर्ट्स की फैकल्टी में पहले एक टाइम था ना आर्ट वालों को उतना दर्जा नहीं मिलता था लोग सोचते थे यार जो नहीं पढ़ता उसको आर्ट ले लेनी होती है लेकिन अब थोड़ा बदला है ना बहुत कुछ बदला है ऑफ कोर्स सोच बदल गई है जी अच्छा चुनाव में थोड़ी दिलचस्पी है इतना नहीं है फिर भी देखते हो आज तो हर आदमी चुनाव में दिलचस्पी ले रहा है हाँ महिलाओं की या लड़कियों के क्या मुद्दे होते हैं वो लोग क्या देखते हैं अपने लीडर में क्या होना चाहिए बहुत सारे पॉजिटिव फिर भी ऐसे मोदी जी या राहुल गांधी हाल फिलहाल मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है अगर देना होता तो मे बी बीजेपी तो इलेक्शन में थोड़ा सा भी दिलचस्पी है हाँ तो इस बार कौन आपको क्या लग रहा है हवा की बयार किस तरह है एक्चुअली इतने दिन से मैं वो देख नहीं रहा न्यूज क्योंकि अभी हमारी एग्जाम्स चल रही है बस पिछले 10 साल से आपने देखा ही है कि BJP ने इतना काम किया है तो चलिए वडोदरा में और भी आगे जाना है और वडोदरा की जनता का मिजाज क्या है चुनाव को लेकर जानना है मंगल बाजार है काफी व्यस्त बाजार रहता है मैं अहमदाबाद भी गई लेकिन अहमदाबाद से ज्यादा व्यस्त मुझे वडोदरा अंकल समझ आ रहा है वडोदरा में ज्यादा भीड़ भाड़ है अहमदाबाद के मुकाबले ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन अहमदाबाद थोड़ा शांत सा लगता था वडोदरा में लगता है जैसा सब भागता चलता रहता है इधर क्या बड़े रोड है इधर थोड़े छोटे रोड है अच्छा तो आपकी दुकान है क्या यहाँ पर है ना अच्छा आप लोग व्यापारी हैं ये बताइए इस वडोदरा BJP का गढ़ कहा जाता है इस बार भी ऐसा ही या कुछ और बदलता देख रहे हैं BJP BJP अंकल BJP रोड अच्छे बने सब बनाते हैं रोड का विकास हुआ है आयुष्मान कार्ड में हुआ है सब आयुष्मान कार्ड बना है आपका बना है आपको लाभ मिला है कभी उसका नहीं अजीब मिला अभी जरूरत नहीं पड़ी है लेकिन बना हुआ है बना ठीक है थोड़ा सा और इधर आते हैं और कुछ लोग जिनसे हम बात कर सके ये यहाँ पर सभी व्यापारी हैं
आप बताइए, आपकी सालों से यही दुकान है? हाँ जी। मंगल बाजार में ही। तो ऐसा हम लोग क्योंकि चुनावी मोड हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, वडोदरा को लेकर कहा जाता है यहाँ बीजेपी के अलावा कोई पाँव ही नहीं जमा पाता, ऐसा क्यों होता है? अभी सब लोग भाजपा पे ज्यादा वोटिंग करते हैं, कांग्रेस को कम। आप लोग सालों से वडोदरा में दुकान चला रहे हैं, व्यापारी हैं, यहाँ रहते हैं, क्यों फिर भाजपा ऐसा काम किया है या फिर लहर के कारण ऐसा होता है? उसने काम किया होगा तभी। वडोदरा में आपने काम होता हुआ देखा? हाँ देखा है सब। आप बताइए, आप लोगों के लिए कैंडिडेट इम्पोर्टेंट है या बीजेपी में सिर्फ नरेंद्र मोदी का? नरेंद्र मोदी है। हाँ। लेकिन मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगी, आप टीवी पे आएगा? हाँ हाँ। है ना, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं डाकुर का हूँ। हाँ। बीजेपी ही आने वाली है, कोई नितिन गडकरी? हाँ बीजेपी ही आने वाली है, लेकिन करप्शन बहुत बड़ा है। बड़ा है आपको? फिर भी बीजेपी आने वाली है। हाँ। काम ढंग से नहीं होता है। हाँ। नीचे के लोग जो है बिल्कुल काम नहीं करते हैं। हाँ। करप्शन बहुत है। आपको क्या लग रहा है इस बार चुनावी मोड किधर जा रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी की तरफ। बीजेपी, भाजपा? आप लोगों को फायदा मिला इसलिए? हाँ तो मिलता ही मिलता है। बीजेपी या कांग्रेस? अब बेन वो तो देखो यानी अपना दिल मांगे ना तभी किसको वोट देंगे, जो यानी पब्लिक का भला करेंगे। कोई कर रहा है? अब सामने तो यानी अब बेन क्या है, ठीक है ठीक है। आप लोग का राजस्थान से आए हैं क्या? राजस्थान से आए? यहीं रहते हैं या आए हुए अभी? नहीं अभी रहते हैं, यहीं पे रहते हैं 15-16 साल। अच्छा, तो यहाँ का आपको क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री मोदी या कांग्रेस? मोदी आएगा यहाँ पर, मोदी आएगा। तो मंगल बाजार के ये व्यापारी जिनका रुख हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा वर्ग यहाँ पर इनका है, इसीलिए इनको जानना भी जरूरी है। चलिए वडोदरा में और आगे। ओ, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा काम विकास ही विकास, विकास। नगर में मोदी आया, विकास को संग में लाया, हो आके अलख जगाया। ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम। तो मैंने आपको कहा था ना कि मैं अब आपको उन स्टार से मिलाने जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि सनत पांड्या नाम के एक गायक हैं जो हैंडीकैप हैं और बहुत अच्छा गाते हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने बहुत अच्छा गाया। तो मैं उनके घर आई, उनसे मिली। सनत जी थैंक यू मिलने के लिए, लेकिन ये बताइए कि क्यों नरेंद्र मोदी से इतना प्यार है? बहुत लगाव है मुझे मैडम, क्योंकि मोदी साहब ने जो किया है वो किसी ने नहीं, क्योंकि जो एसटी बस गुजरात की होती थी तो उनमें जो परसेंटेज से पहले चल रहा था तो मोदी साहब ने वो पूरा हटा दिया। परसेंटेज मतलब इतना परसेंटेज? 25% होता है तो उनको इतना परसेंटेज मतलब अब आपको कोई परसेंट, अब आपको मिलनी ही मिलनी है? मिलनी है मिलनी है। मोदी साहब ने वो एक तो क्लियर कर दिया कि कोई भी हैंडीकैप होगा उनको बस में सुविधा संपूर्ण। ये बतौर मुख्यमंत्री रहते ही कर दिया था? हाँ, मुख्यमंत्री जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने किया था ये सब। कभी मुलाकात हुई आपसे? मेरे से 5 बार हुई है। तो कुछ गुनगुनाएंगे उनके लिए? हाँ उनके लिए मैंने काफी उनके लिए गीत लिखे हुए हैं, उनमें से आपको एक गीत मैं सुनाता हूँ। मेरे देश की तुम शान हो, माँ भारत की संतान हो, वो जो ये गीत है पूरे भारत में इलेक्शन में चल रहा था ये पूरा, तो मैं आपको वो सुनाता हूँ। मेरे देश की तुम शान हो, नमो 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 नमो, माँ भारत की संतान हो, विकास का पर्याय हो, तुम माँ बहनों के रक्षक हो, नमो 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 नमो, घर घर में एक ही नाद है, नमो 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 नमो। गुजरात के कल्चर के बारे में, वडोदरा जिसे हेरिटेज सिटी कहा जाता है, कुछ गुजरात के लिए। मोर बनी थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट करे, मोर बनी थन गाट करे, मारू मन मोर बनी तन गाट करे मन, मोर बनी तन गाट करे मन, मोर बनी तन गाट करे, मारू मन मोर बनी तन गाट करे मन, मोर बनी तन गाट करे, हे घर घर मेघ गता गगने गगने गर जाट बने, घुमरी घुमरी गर जाट बने, नवधन भर सम सुन जिले नदियों जो बन बान भूले, नव दिन कपोत निपाक खुले, मधुरा मधुरा ने गाइन मेड़ा, इत
चुने चुने सु बात करे मन मोर बनी तन घाट करे मन मोर बनी तन घाट करे मारू मन मोर बनी तन घाट करे मन मोर बनी तन घाट करे। एक ही आएगा कमल कमल आएगा। तो ये भरोसा है संध्या जी से हम इसलिए मिले क्योंकि यहाँ के लोगों ने हमें बहुत बताया उनके बारे में, तो उनसे मिलना इसलिए जरूर। सबसे बड़ा है तेरा नाम तेरा नाम।